वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह कहानी घर में खुश आमदी। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे एक मजेदार कहानी जिसका नाम है नमकीन खाना। प्यारे दोस्तों, एक दफा की बात है कि एक बादशाह था जिसे मीठा खाना बहुत पसंद था। वो हर वक्त मीठा खाना चाहता था और उसे हमेशा मीठे खाने की ही ख्वाहिश होती थी। और ये बात उसकी बेटियों को पता थी और वो बादशाह की हर बात माना करती थी, चाहे वो गलत हो या सही। ज़्यादा मीठा खाने की वजह से बादशाह को बहुत सारी बीमारियाँ भी हो गई थी, क्योंकि किसी चीज़ की भी ज़्यादती सही तो नहीं होती ना बच्चों। एक दफ़ा बादशाह ने अपनी 6 बेटियों को बुलाकर पूछा कि बताओ मेरी बेटियों, तुम लोगों को कौन सा खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सारी बेटियों ने मीठे खानों के नाम लिए। किसी ने कहा जर्दा, किसी ने कहा खीर, किसी ने कहा कस्टर्ड और किसी ने केक कहा। इस तरह से 6 में से 5 बेटियों ने मीठे खानों के नाम लिए और एक बेटी ने नमकीन खाने का नाम लिया, क्योंकि हर चीज़ की अपनी जगह अहमियत होती है। मीठा खाना नमकीन खाने की जगह तो नहीं ले सकता। ऐसी नाफरमानी करने से बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि तुमने मेरे खिलाफ बात की और तुमने मेरे सामने बहस करने की कोशिश की। बेटी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी खिलाफ वर्जी कैसे कर सकती हूँ, मैंने तो सिर्फ अपनी पसंद बताई है। बादशाह ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक काम दे रहा हूँ। तुम सब मेरी दावत करोगी और खाना बनाओगी और फिर मैं देखता हूँ कि मुझे किसका खाना सबसे अच्छा लगता है। जिसका सबसे अच्छा खाना होगा मैं उसको बहुत ज़बरदस्त इनाम से नवाजूंगा। सारी बेटियों ने खूब मेहनत करके मज़े मज़ेदार खाने बनवाए। नमकीन पसंद करने वाली बेटी ने कहा कि सही है बादशाह सलामत, मगर मेरी एक शर्त है, आप मेरा खाना सबसे आखिर में खाएंगे। बादशाह सलामत ने शर्त मंजूर करते हुए तमाम बेटियों के खाने चखे और जब आखिरी में नमकीन खाना खाया तो बादशाह भी बोल उठा, वाकई नमकीन खाने की अलग ही हैसियत है। हर चीज़ की अपनी जगह अहमियत होती है। कोई भी चीज़ किसी से कमतर नहीं होती, चाहे वो कोई इंसान हो, हैवान हो या फिर कोई खाना हो। प्यारे दोस्तों, हमें भी इस कहानी से सबक मिलता है कि खाना नमकीन हो या मीठा, दोनों अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं। नई सुबह कहानी घर में इतना ही, मिलते हैं फिर एक मज़ेदार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।